पेट्रोल और बिजली की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफे के बाद अब हुकूमत की जानिब से कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में भी यकदम 200 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मानसेरा लारी अड्डा में, और गुज़िश्ता रात जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है डीजल और पेट्रोल में जो है महंगाई का ऐलान किया है, तो उस पे आज जानते हैं आवाम की राय क्या है। आइए लिए चलते हैं, आपको आवाम की राय क्या है, कैसे मजदूरी के लिए आए कि शाहबाज शरीफ का सर का कटा करे क्या, उसका खुदा बेड़ा करे। क्या मजदूरी करते हैं यहाँ? हम ये बेलचे का और होटलों में ये अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। तो दिहाड़ी लग जाती है क्या बेलचे वाले? तो इस वक्त अभी तक चादर कहन के ये इधर उधर फिर रहे हैं। उनका अल्लाह पाक और भी बड़ा गर्क कर दे कि वो अमरीका से डूब चला जाए। कौन ये जो अभी नए हुकूमत में वज़ीर आज़म बना हमारा? एक तो नहीं इसमें तो मतलब 11 जमातें मिल गए। मौलाना को तो सबसे पहले भी अल्लाह गर्क कर दे, वो तो मौलाना है ही नहीं है, उसने तो लोगों का बड़ा गर्क कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं गुज़िश्ता रात जो हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल की कीमत में 30-30 रुपए इजाफा किया, अगर बात की जाए पिछले महीने की तो इस एक महीने के अंदर 2 दफा जो है डीजल पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, यानी इस महीने में 60 रुपया जो है डीजल पेट्रोल की कीमत में, और आज रात जो है वो बिजली में भी इजाफा हो गया। इस हवाले से आप मिफ्ता इस्माइल साहब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे कि इन्होंने अच्छा किया या गलत किया? बहुत गलत किया, बहुत कुफर किया, बहुत ज्यादा किया, अल्लाह पाक इनको भी गर्क कर दे, हम ये कह रहे हैं। तो अभी इनको क्या करना चाहिए? अभी इनको ये करना चाहिए कि या तो ये मर जाए बेंटो या आवाम को मार दे। अगर मजीद महंगा कर रहे हैं क्योंकि उसने बोला महंगा करके ये अपने पेट भर रहे हैं, ये जालिम अमरीके का माल भेज रहे हैं, इनको अल्लाह गर्क करे, ये हुकूमत का मुस्तहिक नहीं है, इनको अल्लाह पाक ने ऐसे लाया हमारे पर मुसलत कर दिया। अगर ये जानने वाला है, ये अगर ये बातों को समझते हैं तो इनको हुकूमत छोड़नी चाहिए, इनको हुकूमत नहीं करनी चाहिए। हुकूमत ये मजाक तो नहीं है कि मजाक कर रहे हैं, आवाम की खून पी रहे ये जालिम लोग। हुकूमत ये उससे मिल के हम कह रहे थे उसको भी अगर इल्म है उसके पास या आलम है तो वो अल्लाह का दीन क्यों नहीं बयान कर रहे, वो अपने मदरसे क्यों नहीं चला रहे कि वो अवाम की खून पी रहे। अच्छा ये हुकूमत ये कौन सा मौलाना है कि वो अल्लाह का दीन को छोड़ के कुरान को छोड़ के और दुनिया की जो आखिरत की बातों को छोड़ के दुनिया के पीछे लगा हुआ अपना पेट भर के और भाग रहे अमरीके के लिए? अच्छा ये हुकूमत छोड़े तो आपके ख्याल में ऐसा कौन सा लीडर है जो हुकूमत करे और इस मुल्क को जो है महंगाई से निकाल सकते हैं? आप कुछ मशवरा देंगे? हम ये मशवरा दे सकते हैं कि जो पहले रच चुका था उसी को छोड़ देता तो वो बहुत बेहतर था, अब भी अगर उसको छोड़ दे तो वो बेहतर है, इससे इन जालमों से तो वो बिल्कुल बेहतर था। जी कौन जी, नाम ले लें? इमरान खान ठीक था। तो आप आपने जो है ये लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, छोटा इलेक्शन हुआ जिसको हम बल्दियाती इलेक्शन भी कहते हैं, तो इसमें आपने वोट किसको दिया था? इसमें हमने इमरान खान को दिया था जी। अच्छा इमरान खान को दिया था, तो बड़ा वोट जो 2018 में इलेक्शन हुआ वो किसको दिया? वो भी इमरान खान को दिया था। अच्छा तो आपका उम्मीदवार इस वक्त MNA नेशनल असेंबली का उम्मीदवार कौन है? हमारा उम्मीदवार नवाज खान है। उसके नाम कुछ पैगाम देंगे कि इस वक्त आवाम जो है मजीद इतनी मुश्किलात में है कि आप इसका कुछ हल निकाल सकते हैं, नेशनल असेंबली में आपकी आवाज़ बनने के लिए वो तैयार हैं? हमारी आवाज़ किधर सुनते हैं भाई, ये तो आपने ये लाउड स्पीकर हमारे सामने पकड़ दिया, आप अगर हमारी बात सुन रहे हो वो हमारी बात सुनेंगे, वो तो सब जालिम में अपनी बात सुन रहे हैं, अपनी गाड़ी में फिरा, अगर उनको एहसास होता तो इस वक्त अलाई में कितनी गलत जा रही है, 700 में 1 किलो डालडा बिक रहा है जो खाने के हैरान है, जो तड़का लगाने के लिए मुश्किल पड़ गई लोगों को, लेकिन इन जालिमों को कोई एहसास भी नहीं है कि जिधर से आ जाए इनका पेट भर जाए। सुबह भी TV में मैं सुन रहा था कि जो बड़े बड़े वो कह रहे हैं नहीं हमारी तो रैली है और हमारी प्लानिंग चल रही है, उनको ये एहसास नहीं है कि जिसके 5 बजे 7 बजे भूखे मर रहे हैं। सुने नमाज जुमा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है मुल्क गिर में, मतलब हर जिला में हर शहर में एहतजाज करने जा रही है, क्या आप उस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे? हम तो सबको सब आवाम को ये कहते हैं कि सूरत यासीन का खत्म करके इन जालिमों के लिए दुआ करे, इनसे अल्लाह हमारी जान छुटा दे। किससे? जो ये अभी हमारा वज़ीर आज़म बना हुआ है, एक वज़ीर आज़म से यहाँ तो 11 पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, जो 11 पार्टी सबके सब गदार है, सबके सब गदार है, सब गदार है, वफादार कौन है? हम कहते हैं सब गदार है, हम भूखे मर रहे हैं और वो गाड़ियों में फिर रहे और रोज परोज महंगाई कर रहे, 30 रुपया महंगाई, 30 रुपए से लेके अभी 1-200 से ऊपर डीजल कर दिया, वो लोग क्या खाएंगे? अच्छा आप कुछ मशवरा देंगे वज़ीर आज़म के नाम, वज़ीर ख़ज़ाना के नाम, सदर के नाम, के ये महंगाई किस तरह कंट्रोल होगी? आखिर आवाम भी कोई मशवरा तो दे ना, आवाम की मशवरा क्या है कि वो किस तरह कंट्रोल होगी, किस तरह इनको जब ये आवाम की मशवरों की जरूरत है तो ये वज़ीर आज़म क्यों बने और ये लीडर क्यों बने,
अवाम के वोट से आगे जब गवर्नमेंट बनती है तो अवाम का मशवरा होना जरूरी है। आपको से कब उन्हें पूछा है भाई वो जो महंगाई कर रहा है, रात को किससे पूछा है कि महंगाई कर दूं या नहीं करूं? वो एक एक बंदे से कभी नहीं पूछेंगे। हमारी प्लेटफॉर्म अवाम तो सब मेरे सामने ये कह रही है कि अल्लाह पाक इनको करेक्ट कर दे। हमारी प्लेटफॉर्म से आप आवाज उठाना चाहें तो आप कोई पैगाम दे सकते हैं? हम ये भी 9-10 रुपए इन्होंने जो है अवाम को रिलीफ दिया हुआ है। अभी रिलीफ दिया हुआ है आपका? ये अभी रिलीफ दिया हुआ है, मतलब कहाँ तक लेके जाते हैं तो ये मतलब ठीक करते हैं? ये सब जो है ना, ये इमरान खान का वो बीज है जो अभी इंशाल्लाह इसको फल लगेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। दो जिम्मेदार आदमी थे, वो अपने खेत में काम कर रहे थे, एक के आगे से कुत्ता गुजर गया, वो रोने लग गया। उसने दूसरे ने बोला भाई क्यों रो रहे हो, इतनी गंद तो मैं आपको दे दूंगा। उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ यहाँ से कुत्ता गुजर गया, अब यहाँ मेरी जमीन से रास्ता लग जाएगा। ये इमरान खान ने महंगाई का रास्ता बनाया हुआ है, अब जो भी गुजरेगा वो इसको आगे चलाता रहे। अच्छा, तो इस पे तो ये आवाम पे बोझ बनेगा, तो आवाम पे बोझ बने, आवाम इसको आगे ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो आप कह रहे हैं ये तो अभी और करना है, यानी विफ्ता इसमें अभी रेट को और बढ़ाएंगे? जी बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने चाहिए, मतलब ये ना कि जी बढ़ाएंगे तो जरूर। मैंने पहले आपको कहा है कि ये रास्ता बना हुआ है, जो अभी आएगा वो इससे गुजरेगा। नहीं, हमारे सवाल का ये मतलब है, आपकी क्या राय है, बढ़ाना चाहिए रेट, ये कहें आप बढ़ाना चाहिए? तो चाहिए नहीं है, नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है बढ़ाएंगे, क्योंकि IMF के साथ जो इमरान खान के वायदे हुए हुए हैं ना, उन पे जरूर चलेंगे, अमल करेंगे। दूसरी तरफ अगर 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 पेट्रोल 300 रुपया वो कर देते हैं तो फिर आप डालेंगे गाड़ी में पेट्रोल? पेट्रोल पे अभी कौन से डाल सकता है, इमरान खान के दौर में किसने डाला है? जब आप डाल नहीं सकते तो फिर आप ये भी कह रहे हैं कि भाई अभी मजीद महंगा होना चाहिए। कह रहा हूँ कि इमरान खान ने भी दी हुई थी 30 रुपए जो रिलीफ दिया हुआ था, लेकिन वो भी हुकूमत का नुकसान हो रहा था। आप ये जिस रेट पे दे रहे हैं इसमें भी 9-10 रुपए हुकूमत का नुकसान। तो ये सिर्फ पेट्रोल का रेट बढ़ेगा नहीं, इसमें जरूरियाती जिंदगी की हर चीज जो है वो बढ़ेगी, तो उसमें जो है ये जो दहलीदार तबका है उसको तो ज्यादा नुकसान होगा। तो उस हवाले से आपको ख्याल नहीं है कि आप कहते हैं आगे रेट चले, पेट्रोल बढ़े, डीजल बढ़े, तो उस तरफ जो ख्याल? उसका ख्याल तो है, लेकिन मसला ये है कि अभी ये जो महंगाई हो रही है ये तो होकर रहेगी, जो भी करेगा, कोई भी करेगा, इसको भी कोई खत्म नहीं कर सकता, ये आदमी महंगाई हो रही है, समझियो। तो अब आप हुकूमत को यह चाहिए, जिस तरह आप कह रहे हैं दिहाड़ीदार, हुकूमत को यह चाहिए कि वो मजदूर की तनख्वाह में ज्यादा करें। मजदूर की तनख्वाह है तो वो अपनी गवर्नमेंट की करेंगी, लेकिन ये जो आम मजदूर है उसकी तनख्वाह में कैसे इजाफा करेगी? उसके वो गवर्नमेंट का काम है ना जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पे अमल दरअमल करवाए ना, फैक्ट्री वालों को भी कहे कि आप मजदूर की तनख्वाह में इजाफा करें। जब मजदूर फैक्ट्री में मजदूर की तनख्वाह में इजाफा होगा, फिर दिहाड़ी लगाने वाले बंदे की तनख्वाह में भी जरूर इजाफा होगा। देखें, फैक्ट्री मालकान का ये भी कहना है कि जो चीज हमारी आज से पहले हजारों के टन में जा रही थी, आज वो सैकड़ों में आ गई है, हमारा काम ही नहीं है। हम जो है मुलाजमीन को फारिग कर रहे हैं कि हमारी जो है अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो इस तरह किस तरह रखेगा? फिर गवर्नमेंट उसको किस तरह वो देंगी कि वो आके जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार किस तरह फराहम करेगी? कोई आपकी राय है? आपकी बात समझ गया हूँ कि मुल्क में बहुत कर्जा है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। इसके लिए बेहतर यह कि ये हमारी हुकूमत अपने हर वजीर को कहे कि भाई अपनी माना आमदन से कम अज कम 10-10 हजार, हर 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 चाहे इमरान खान है या कोई भी है, कोई भी है, हर हुक्मरान, हर बंदा, हर वजीर अपनी तनख्वाह से 5-10 हजार रुपया दे, हर फैक्ट्री वाला दे, हर मजदूर अपने महीने के 1000 रुपया दे, मुल्क का कर्जा उतार ले, बस मुल्क सुधर जाएगा। तो इस तरह मुल्क का कर्जा उतर जाएगा 10-10 हजार से? 10-10 हजार को सैकड़ों में, करोड़ों में, खरबों में जाएगा ना? उस तरफ जो हमारे वज़रा हज़रात हैं उनका डीजल पेट्रोल दुनिया की मतलब जो भी उनकी जरूरियात की चीजें वो गवर्नमेंट के खजाने से आती है, उस पर भी जरा कुछ बात करेंगे? वही कह रहा हूँ ना कि उनको उसको अगर उन्होंने अपनी जेब से कोई खर्च किया होगा तो उन्हें पता होगा कि वहाँ पे क्या गुजर रही है ना। उन्होंने तो कभी किसी गवर्नमेंट मुलाजम ने, किसी ने, किसी अफसर ने अगर अपने पैसे से गाड़ी में पेट्रोल डालो या उसको पता हो, चलो अपने पैसे से डालते हैं लेकिन खुद तो नहीं जाते ना पेट्रोल पंप पे या गैस पे, ड्राइवर हजरात जाते हैं, उनको पता होता है, वो जाते हैं जी ये पर्ची है, बस ठीक है जी, ओके ओके। गवर्नमेंट बहुत शुक्रिया जी, आपने मानसरा न्यूज को अपना कीमती वक्त दिया जी। कहना चाहें हुकूमत ने मतलब ये जो महंगा किया इस हवाले से, मतलब आप ये कहते हैं कि इन्होंने गलत किया या सही किया? गलत किया जी, ये सब करप्ट बैठे हुए हैं। और वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने यह पैगाम दिया है कि हो सकता है कि वो तकरीबन 30 रुपए मजीद भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि 260 तक वो कहते हैं जो IMF जो है वो अभी भी रजामंद नहीं है, मजीद रेट बढ़ने पर वो जो है इतफाक हो रहा है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये तो कह रहे थे कि इमरान खान IMF का बंदा है, ये तो खुद IMF के बंदे हैं, इनके कामों से यही पता चल रहा है ना। ये
ये तो है। जी अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका कहेगा वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अयाज मानसेरा से। मेरे पास ये गाड़ी है पंजाब स्कीम की, शहबाज शरीफ वाली स्कीम की, लेकिन ये चोर है, ये कीम लोग हैं। शहबाज शरीफ स्कीम की गाड़ी इस्तेमाल करके फिर भी आप ये कहते हैं कि वो चोर हैं, तो ये आप मतलब भाई जो अमेरिका कहेगा ये वो करेंगे ये लोग।